नाकता हुफ़ फली या उकबा अला उल्लिमुका खैरा सूरतनी कुर् अता फ़ाल्लमनी कुल आऊजु बिरब्बी फलक फ़ुल आऊजुब बिरब्बिन नास कला फ़लम यर नी सुरिर्तु बिहिमा जिद्दन नजर सलात सभी सल्ला बिहि मा सलात सुनास फलम्मा फरह रसूल सल्हुसम सलाती इलतफ इलैया फ़ला या उकबा कई फरा ऐता रब शाहली सदरी वयसरली अमरी वाहलुदा तमिलसानी यफकहू कौली रबी असर वलातु असर व तम बिलखैर आमीन या रबल आलमीन राबुल कुरान में आज से हम छः आयात पर मुश्तम सूरतें जो हैं उन्हें शुरू कर रहे हैं जी सूतनास छः आयात पर मुश्तम एक सूरत है इससे पहले अलहमदिल्ला जो पाँच आयात पर मुश्तम सूरतें हैं वो हम मुकम्मल कर चुके हैं सूरतनास और इससे पहले सूतुलफलक जो मैंने आपके सामने बयान की थी इन दोनों सूरतों के मुश्तरक फजा मैंने पिछले प्रोग्राम में आप सबके सामने बयान कर दिए थे आज मैंने नबी नबीसम की एक हदीस जो है वो इस मुबारक के साथ यानी सूरतनास के साथ अटैच की है हजरत उकबा से नबी कसम ने क्या फरमाया और फिर वो क्या मामला हुआ ताला उस हदीस को हम इस सुरह मुबारक के एनालिसिस के बाद देखेंगे तो चलते हैं जी बोर्ड की तरफ और सूरत नास की पहली आयत जो है उसे ग्रामेटिकली एनालाइज़ करते हैं जी नास की पहली आय बोर्ड पे आपके मौजूद है जी इसमें अगर आप थोड़ा सा पिछली सूरत के हवाले से गौर करें तो उसमें था जी कुल आउूज़ वब्बल्फलक तो तकरीबन अलफाज की तादाद उतनी ही है जितनी सुतुलफलक की पहली आयत में अल्फाज थे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अल्फाज को देखा था ग्रामेटिकली ये इसमें फ़ेल है या हर्फ है तो बिल्कुल वही आप कह लें कि जिस तरह उसमें हरूफ असम और अफ़ाल की तादाद थी बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी है कुल आपका फ़ेल है जी एक फ़ेल हो गया आ फिर एक फ़ेल है और बा आपका हर्फ है हर्फ जर और रब और अन्नास ये दो आसमा है तो गोया दो अफ़ाल दो आसमा और एक हर्फ पर मुश्तमिल आपकी नास की पहली आयत है जो कि बिल्कुल तादाद के अतबार से यानि अल्फाज की तादाद के अतबार से सूद वफलक की पहली आयत के बिल्कुल आप कह लें कि बराबर है और फिर जो अल्फाज हैं कलिमा की अकसाम के एतबार से उस एतबार से भी बिल्कुल उसके आप कहें कि बराबर की ही आयत है कुल जैसे कि मैं आज कर चुका हूँ पिछली सूरत में ये आपका एक फेल है और फेल अम्र है और फेल अम्र जब भी आएगा उसका फाइल जो है उसके साथ ही मौजूद होगा तो ये हो गया जी फेल बा फाइल और फिर वही बात ताज़ा कर लें जहन में जिस तरह सूतुलफलक में थी कि कुल के बाद यानी फेल और फ़ाइल के बाद जो पूरा आगे जो कुछ होगा यानी जो कुछ कहा जा रहा होगा वो उसका मफूल बन कर आएगा जिसे हम मकूला कहेंगे तो जिस तरह सूतुल फलक में आपने देखा था कि पूरी सूर्य मुबारका को हमने इकट्ठा करके एक जुमला बनाया था जो कि जुमला इनशाइया बना था ठीक है जुमला फेलिया इंशाइया बना था इनशाल्लह तल आज की सुरह मुबारक में भी आप देखेंगे कि एंड पे हम एक ही जुमला बनाएंगे और वो भी जुमला फेलिया इन ही होगा इन शुल तो। फ़ेल पर फ़ाइल हो गया जी और इसमें फ़ाइल जो है वो अनता की ज़मीर है उसके बाद आऊज़ू अबुलफाज में मैं दोबारा बात नहीं कर रहा इसलिए कि हम सुरतफलक मैन पे तफसील से बात कर चुके हैं आउज़ू फिर आपका फ़ेल और फाइल हो गया यहाँ पर सिर्फ एक जहन में बात ताज़ा कर ले कि मैंने फ़ौरन फ़ाइल क्यों कह दिया इसलिए कि यह सीधा नंबर एक और चार के अलावा है अगर सीधा नंबर एक और चार के अलावा कोई सीधा आ जाएगा फ़ेल का तो फाइल आपने साथ ही फॉरेन मेंशन कर देना है अलग से फाइल आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होनी और यहाँ पर आउूज़ू में कौन सा फ़ाइल है जी अना की ज़मीर जो है वो इसका फ़ाइल है ठीक है क्योंकि सीधा नंबर तेरह है ये और मुजारे की गरदान में आपने कैसे पहचाना है आपकी अलामत मुजार हमजा है यानी अलिफ़ ज़बर के साथ आ रहा है लेकिन जी उसके बाद आगे आपका हरफ जर बा है और हरफ जर आप जानते हैं कि रूफ़ जारा आते ही आसमा पर है असमा पर दाखिल होते हैं लिहाजा कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि जी इसके बाद तो फेल आ गया आपको इस्म मिलेगा रब आपका इसम है जो कि मुजाफ के तौर पर आ रहा है और यहाँ पर मुजाफ़ अलह है मुजाफर मुजाफिल मिल मिलकर ये मजरूर हो गए जी इस जार के लिए और ये जार और मजरूर मिलकर ये हो गए जी मुत आउज़ु फ़ेल के और आउज़ु फ़ैल अपने फ़ाइल और मतलक़ से मिलकर जुमला फेलिया ख़बरिया होकर ये बन गया जी मकूला कुल के लिए जिसे हम यहां पर मफूल कहेंगे और कुल फेल अपने फाइल और मफूल यानी मकूला से मिलकर जुमला फेलिया ही है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है और इंशाइया अंदर वाले जुमले को मैंने खबरिया कहा था और इसे मैं इंशाइया कह रहा हूँ इसलिए फेले अमरा गया ठीक है तो अब ये हमारा जुमला फेलियन इतना ही है बस अब इसमें हम मजीद इंशाला एड करते जाएंगे बातें वही हैं आजा याऊजू पनहा में आना जिसकी पन्हा में आया जाएगा वो बा के साथ आएगा जिससे बचने के लिए पन्हा में आया जाएगा वो मिन के साथ आएगा कुल आउजू बिरबिल फलक मिन शर्रिमा फलक मिन इजाव कब वा मिन इजा वा मिन, मिन इज़ा हसत तो फलक में आपने देखा था कि मिन के साथ काफ़ी सारी चीजें आई थी ठीक है इस सूरह मुबारक में मिन के साथ क्या काफ़ी सारी चीजें आएंगी या नहीं आएंगी अल्लाह तला हम देखते हैं तो इस आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ तो नहीं है जिस पे हम आ, बात कर सकें दो फेल हैं उन पर हमने बात कर ली है और ये अब अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हो चुके हैं आपके फेल बाकी अनास लफ्ज़ जो है इसके हवाले से जो है जहन में रहा के हवाले से आप जानते हैं कि हम इतनी तफसील में नहीं जाते क्योंकि आस्मा जो है उनके हमने माना ही याद रखने होते हैं तो सिंपली उनके माना को ही याद रख लिया करें अगर कोई इसम खास है जैसे मुश्तक है तो उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स जो है वो रख दिया करूँगा वरना नॉर्मली जो असमा हैं उनकी बारीकियों में हम नहीं जाएंगे जी इसका मादा क्या है ये बना कैसे है तो आस्माँ को सिंपली आप लिया करें ज़्यादा फ़ेल अहमियत का हामिल है फ़ेल क्या है मादा क्या है बाप कौन सा है ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें करनी चाहिए अच्छे तरीके से तो अनास बहरहाल मैं हल्का सा आपको इसके बारे में बता दूँ कि उनास जो है अल फम के बगैर था ये अली फम के साथ है तो उन्नास उन्स ये अले फम के बग़ैर है और जमा का लफ्ज़ है जी उस पर फिर अले फम दाखिल हुआ तो वो अन्नास बन गया अब ये मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जी क्या कायदा लगा और क्या हुआ ये खाम खी अपने आप को ज़्यादा परेशान करने वाली बात है अपने जहन पर ज़्यादा बोझ डाले वाली बात है जो रूल्स के मुताबिक चीज़ें होती हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं तो इससे बस आप याद कर लें कि अल्फ़ल के साथ ये मारफा है और उनास का लफ्ज़ जो है वो नकरा इसमें है ठीक है लोगों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है और इसका वाहिद फिर आप कहेंगे क्या है जी वो इसका वाहिद इंस है या इंसान है तो ये इसके बारे में आप जान लें ले जी पहली आयत हमारी मुकम्मल होगी है अब इस आयत के साथ इन शाला तल हम बाकी आयात को जोड़ेंगे और फिर कैसे रिलेट करेंगे इसके अभी आपने देखा है कि जिसकी पनाह में आया जा रहा है वो है रब यानी तमाम लोगों का तमाम इंसानों का रब तमाम इंसानों का मालिक ठीक है उसकी पनाह में आया जा रहा है और अब किससे पनाह में बचने के लिए आया जा रहा है क्या आगे उनका जिक्र है या कुछ और चीज है तो देखते हैं जी दूसरी आयत की तरफ बोर्ड पे चलते हैं जी दूसरी आयत जो कि दो अल्फाज पर मुश्तमिल है मलिक और अनास अन्नासम के बग़ैर है तनवीन भी नहीं है जहन फ़ौर जाना चाहिए आपका मरकब इजाफी की तरफ कन्फर्म करेंगे जब अगला इस हालत जर में नजर आएगा तो मलिक नासी दो अल्फाज पर मुश्तमिल दोनों असम और एक मरकब इजाफी की सूरत में अच्छा जी ये मलिक जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मुाफ है और अन्नास जो है ये मुजाफिल है अभी मुजाफ और मुजाफिल है मिलकर क्या बन रहे हैं जी अब देखें सिंपली छोटी सी बात अगर आप आग नोट करें तो यहां पर मलिक की जर है मलिक जर में है ठीक हो गया अभी तस्करा मिन का नहीं आया कि रब्बु नास की पना आप तलब कर रहे हैं किस किस से तलब कर रहे हैं उसका अभी मिन के साथ जिक्र नहीं आया अभी ये कुछ बीच में कोई ऐसी चीज आई है तो ज़ाहिर बात है अब हम इसे रिलेट करेंगे अब मलिक यहाँ पर हालत में है और किसी भी इसम के हालत में होने की सिर्फ और सिर्फ दो वजूहत हो सकती हैं जी अरबी ग्रामर में नंबर एक ये कि वो इस मुजाफ इला की जगह पर हो या दूसरी वजह उसकी है कि उससे पहले कोई हरफे जर हो इन दो वजूहत के अलावा पूरी अरबी में किसी भी इसम के हालत जर्म होने की जैन जो असली वजह है वो नहीं होती थी? अब यहां पर देखें मलिक का लफ्ज जर में है क्या यह मुजाफिल है बिल्कुल नहीं इससे पहले तो कुछ भी नहीं है क्या इससे पहले हरफ जर है इससे पहले हरफे जर भी नहीं है तो दोनों वजूहत में से वजह मौजूद नहीं है अब आप ये नहीं कहेंगे जी ये उस बा की वजह से हरफ जर में है उस बा बा ने सिर्फ अपने आने वाले इसम को मजरूर करना है उसको जर में लेना है उसने इतना आगे जाके अफेक्ट नहीं करना है यह नोट कर लीजिए अच्छी तरह ठीक हो गया अच्छा अब दोनों वजूहत ख़त्म हो गई तो अब इस मलिक को हम अटैच करेंगे पीछे ठीक जैसे तवाबे में टॉपिक मैंने मुख्तसर भी बयान किया था कि तवाबे जो है ये जमा है ताबे की और ताबे किसे कहते हैं ग्रामर के अतबार से ताबे एक ऐसा इसम होता है जिसका अपना कोई एराब नहीं होता जिसका अपना कोई आरब नहीं होता वो एराब में पीछे किसी इसम को फॉलो कर रहा होता है ठीक हो गया अच्छा अब वो ताबे जिसकी जमा तवाबे है वो कितने हैं उसके बारे से मैंने आपको बताया था कि चार हैं या पांच हैं ठीक चार आम राय है और पांच जरा तफसील उसमें हो जाती है तो वो चार तवाबे कौन कौन से हैं वो आपके जहन में हर वक्त रहने चाहिए नंबर एक सिफत सिफत जो है आपको पता है ताबे होती है अपने मौसूफ के जो मौसूफ का इराब होता है सिफत का वही इराब होता है ठीक हो गया पता है ना आपको अशा के सिफत ताबे होती है मौसूफ को उसको फॉलो करती है बदल जो है ये ताबे होता है मुबदल मिनहू का दो ताकीद ये ताबे होती है मुअक्कद की और चौथी चीज मातूफ ये ताबे होता है अपने मातुफ लय का ठीक हो गया पांचवी जो डिटेल होती है उसमें ये अतफ के हवाले से ही है एक अतफ़ कहते हैं जी एक अतफ बे हरफ यानी वो हरफ अतफ की वजह से जो हम मातूफ लें और मातूफ़ बनाते हैं एक अतफ बयान भी कहा जाता है ठीक है तो अथफ बयान से मुरा तकीबा आप कह कि बाज़ जगह पर बदल और अतफ बयान तकरीब तकरीब मिल जाते हैं आपस में आके तो वहाँ पर अक्सर राय इकट्ठी हो जाती है तो ये एक अलग पाँचवीं जो मैंने आपके सामने रखी है तवाबे में किस्म तो हल्का सा आपके जहन में होना चाहिए क्योंकि इसलिए ये मैं बयान कर रहा हूँ कि जब आप कोई अरबिक में इराब की बहस पढ़ेंगे तो उसमें बाज़ा तवाबे में एक अथफ बयान कह दिया जाता है ये अथवा बयान है जी सही तो कहीं आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ ना हो तो इसलिए वो जिक्र मैंने आपके सामने जो है कर दिया यानी अथव बयान में और अतफ़ बा यानी जिसमें हरफ अतफ इस्तेमाल होता है इसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें आप कह लें कि हरफ अतफ आ जाता है इसमें हरफ अतफ नहीं होता लेकिन ये उसको बयान करने के लिए आगे इस्तेमाल होता है अच्छा आप देखेंगे जी हम इसे क्या बनाए ठीक इस मले को हम क्या बनाएं और किसके लिए बनाएं यानी अगर हम इसको सिफत बनाते हैं तो इसका मौसू कौन होगा जी इसका मौसू फिर होगा ये रब की सिफत है रब इसका मौसू हुआ वो जो रब है यानी जो हमने यहाँ पर बनाया था ना मुसाफ और मुजाफिल है रबना नास उसके लिए ये मालिक नास को सिबत बना देंगे क्योंकि राम में बिल्कुल फॉलो कर रहा है क्लियर हो गया या हम इसे बदल भी बना सकते हैं इस रब से या इसे हम ताक़ीद के लिए नहीं है ये हम इसे अतफे बयान के तौर पर भी ले सकते हैं तो ये तीनों यहाँ पर जो है वो जो मैंने बात की है तबावे उसमें ये फिट हो सकता है तो तर्जुमा हम करने की अगर कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे कि एनबी से हम फरमा दीजिए कि मैं रबु उन्नास की तमाम इंसानों की पन्हा में आता हूँ अब वो रबु नन्स कौन है जो तमाम इंसानों का मलिक है बादशाह है मलिक आप जानते हैं कि बादशाह के लिए इस्तेमाल होते हैं एक तरफ से है मालिक और एक है मलिक 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 की जमा मलूक आती है ठीक हो गया तो मलिक नाज तमाम इंसानों का बादशाह यानी के साथ तर्जुमा करेंगे तो बदल का तर्जुमा हो जाएगा जो के साथ करेंगे तो सिफत का तर्जुमा हो जाएगा कि उर्दू में सिफत का तर्जु आमतौर तो पर जो के साथ किया जाता है ठीक हो गया अब साथ ही इसके जो तीसरी आयत है वह भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ तो एक आयत जी यहां पर हमारी होगी मलिक नाज दूसरी आयत होगी और तीसरी आयत है जी इलाह इलाहनास यहाँ भी देखें आप थोड़ा सा गौर करें तो बिल्कुल वही तरतीब तरकीब आपके सामने आ रही है के बगैर इसमें और तनवीन भी नहीं है तो जहन जाना चाहिए मजाफी की तरफ अगला इस में नजर आया कन्फर्म हो गया तो अला जो है फिर ये मुजाफ है जी और अन्नास जो है ये मुजाफ है ये मुजाफर मुजाफिल है मिलकर जिस तरह ये मालिक नास को हमने सिफत करार दिया था जी या बदल करार दिया था ठीक है या अथ बयान करार दिया था इसी तरह हम इलाह नास को भी या सिफत करार दे देंगे या बदल करार दे देंगे या अथफ बयान करार दे देंगे ठीक हो क्या तो यहाँ पर इलाह महबूद आपको पता है लफ कलिमा में, ला इलाह के हवाले से आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और इसकी जमा जो है आलिहातुन आती है ठीक हो गया तो ये तीन आयत यहां पर हमारी मुकम्मल हो गई जी मालिक ना और इलाह ना इन दोनों को हमने सिफत बना दिया रब की क्लियर हो गया तो ये इसके साथ अटैच हो गए तो कुल आउज बिर मालिक नास तो यहां पर आपने देखा कि फलक में कुल आउज बिरबुलफलक कहकर बात खत्म कर दी गई थी और फिर आगे उनका तस्करा था जिनसे बचने के लिए पनाह मांगी जा रही है लेकिन यहाँ पर जिसकी पनाह मांगी जा रही है जिसकी पनाह में आया जा रहा है उसको मजीद जो है वो बयान किया जा रहा है कि वो कौन है रबास कौन है ताकि उसका एक असर आपके सामने आए वो मालिक इन्नास है तमाम इंसानों का बादशाह है इलाह नाश है वो तमाम इंसानों का माबूद है ठीक है इसे आप देखेंगे असर जो है वो पैदा होगा अब आगे तस्करा होगा जी किस से पन्हा में आया जा रहा है अब वो हम देखते हैं जी वो एक ही है या एक से ज्यादा है तो अगली आयत पे चलते हैं जी नेक्स्ट चौथी आयत बोर्ड पर आपके आ गई जी अल्फाज को काउंट कर लें इसम फेल हर्फ के अतबार से मिन आपका हर्फ है हर्फ है जर है साथ साथ ही नोट करते जाइए शर इसमें पिछले सूर्य का में बार बार आया अलसवास और अल दोनों पर अलफलाम लगा हुआ है तो जाहिर बात है दोनों आसमा है तो एक दो तीन आस्मा और एक हरफ पर मुश्तमिल आपकी चौथी आयत है जी अब यहां से तस्करा शुरू हो रहा है जिससे बचने के लिए पनहा में आया जा रहा है ठीक है मिन जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं हरफ जर है और जब भी हरफ जर आएगा तो मजरूर और वो एक किस्म होगा तो शर आपका मजरूर है लेकिन पिछली सूरत को सामने रखें तो ये मुजाफ बन रहा है वहाँ पर मिनशर्री माँ था माँ इसमें मौसूल उसके साथ सिला और बनकर वो आ रहा था लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर अलवास है ठीक है अलवस्वास जो है ये इसका मुजाफिल हो गया जी और आगे एक लफ साथ ही देख लें जी अलखन्नास ठीक है तो वस्वास और अल खनास अब थोड़ा सा देखें तो दोनों एक जैसे अस्मा ही हैं तो हम ऐसा करते हैं कि अल वस्वास को हम बना देते हैं जी मौसूफ और अल खनास को बना देते हैं इसकी सिफत और ये मौसूफ और सिफत मिलकर ये बन गया जी इसका मुसाफिल है और मुसाफ और मुजाफिल है मिलकर ये हो गए मजरूर और जारजूर मिलकर ये हो गए मुतालिक आउजू फेल के तो आउजू फेल आजा याउूजू जैसे मैंने कहा था कि दो मुतालिक चाहता है ठीक है एक बा के साथ आता है मुतालिक और दूसरा मिन के साथ आता है बा के साथ वो आएगा जिसकी पनाह तलब की जा रही होगी और मिन के साथ वो आएगा जिससे बचने के लिए पनाह तलब की जा रही होगी तो आउजू फेल अपने दोनों फिर मुतालिकों से मिलकर ठीक है ये फिर जुमला फेलिया ख़बरिया बनेगा तो अब इसमें दूसरा मुतालिक भी आ रहा है अब इस पर जो इस आयत में जो अल्फाज़ हैं दो अल्फाज़ हैं इन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी एक है अलवसवास का लफ्ज़ और एक है अलनास का लफ्ज़ ठीक ये अलवसवास जो है ये एक बड़ा टेक्निकल सा लफ्ज़ है जी एक राय इसके बारे में जो मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने वो ये है कि वाओ सीन वाओ सीन ठीक ये इसका मादा है वाओ सीन वाव और सीन चार चार हरूफ हो गए जब भी चार हरूफ आ जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो सुलासी से निकल जाएगा वो रुबाई की कैटेगरी में आ गया ठीक रुबाई में जब आया तो रुबाई में फिर तकसीम होगी सलासी जिस तरह होती है सलासी में सलासी मुजरद सलासी मजीद फी तो रुबाई मुजरद और रुबाई मजीद फी ये तकसीम हो जाती है लेकिन आपके नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट अफ़ाल जो हैं वो सलासी हैं तो जो पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट है वो रुबाई हैं और रुबाई में भी फिर जो रुबाई मजरद है उसका एक ही बाब है जी एक ही बाब है वो है फ़ालला यू फ़ाललू फ़ाललालू में अगर इसे बोर्ड पे आपके सामने रख दूं तो जरा क्लियर हो जाएगा फाला फा ठीक और इसका मस्तर जो बनेगा ना वो बनेगा जी फाल तन फा ला ला तन या फे लालन ठीक हो गया जी ये दो मसादिर आते हैं इसके फाल यू फाले वही मादा रखें जी वस वसा वस वसा यू वस विसु वस वसा यू वस विसु वस वसतन या विस वासन अब यहां पर लफ्स नोट कीजिए ये है वस्वास और मस्तर इसका बन रहा है विश्वास ठीक तो वसवसा युवस्वसु वसवसतन या विश्वासन इसमें कुछ मादे और करने जी मैं आपके सामने रख देता हूं जालाम जालाम जलजला यु जलजिलु जलजलतन जिलजालन इस वाले से सूरतुल जिलजाल आपके सामने आ जाएगी फिर फौरन जी इजा जुलजलतिल अर्दु जिलजाला तो वो जिलजाल मस्तर भी इस्तेमाल हुआ वहां पर इसी तरह आप ले जी जाहजहा फमन जुह जहा ठीक है जहाजहा से फिर मजहूल इस्तेमाल हुआ फमन जो जहा नारन्नता फकत फास तो जहजहा यु हु और जहजहा तन और जहजान तो ये सलासी से हट कर रुबाई में अब आ गया जी और रुबाई मुजरत का एक ही बाप है फालला तन या फेलन तो अगर हम इसको वस्वास को मस्तर माने तो मस्तर तो नहीं बन रहा मस्तर तो वाओ की ज़ेर के साथ है वो तो विश्वास आना चाहिए लेकिन ये वसवास है तो इसके हवाले से जो राय है कि जी ये इस मस्तर है और इस मस्तर बामाना अल वस्वसा के ही है ठीक है यानी उन्होंने कहा जी ये इस मसदर है एक राय तो है कि इस मस्दर है और बामाना माना यानी वो जो इसका मस्तर बन रहा है उसी के माना में ही है और फिर कसरत वसवसा की वजह से मुबालगा तन शैतान पर इसका हमल कर दिया गया कि वो खुद एक वसवसा है और वसवसा के फिर माना क्या है ये आप जानते हैं कि कन्फ्यूज़ करना इसके असल में माना होते हैं तो एक राय तो जी इसके बारे में ये हो गई फिर दूसरी राय ये है कि ये जी ये वसवसा से वसवास जो है ये सिफत एक बन रही है ठीक है और सिफत का सीखा है और सिफत का सीखा जैसे आपको पता है अरबी ज़ुबान में इस्मलफ़ाइल के माना में भी आता है तो यहाँ पर यह सिफत का सीखा लवसवास जो है ये वसवसा डालने वाला यानी इस्मल के माना में है, तो एक राय इसके बारे में हो हो ये गई ठीक गई ये ज़्यादा मैं समझता हूँ किजी है कि हम इसे इस पैटर्न पे रखें कि ये हम मसू बना रहे हैं यानी फाइल के माना में वसवसा डालने वाला वसवसा डालने वाला यानी वसवसा डालने वाले के से अब वो वसवसा डालने वाला जो है उसकी एक सिफत आ रही है जी कि वो अल्नास है अलनास ख़ाह नून सीन माता और खनसा यखनसु इसके माना इसके माना होते हैं जी आ, पीछे हो जाना ठीक है तो इसमें उबाले का सीधा ये हमने पिछली दफ़े बात की थी नफ़ा सात पे के नफ़ासन ठीक कहारुन सत्तारुन गफ़ारुन सतार ठीक हो गया तो यहां पर जी खान सीन से खन यानी बार बार पीछे हटने वाला बहुत ज्यादा पीछे हटने वाला अब देखें शैतान का काम क्या है यानी यहाँ पर शैतान मरदूद ही है तो उसका काम क्या है कि वो आता है वस वसानंदाजी करता है ठीक है कंफ्यूज करता है फिर पीछे हट जाता है।, है फिर उसके बाद फिर आता है फिर बस डालता है पीछे हट जाता है फिर आता है फिर बस डालता है फिर पीछे हट जाता है तो, तो बार बार वो ये काम करता है लिहाजा उसके लिए मोबाइल का सीधा इस्तेमाल किया क्या कि वो जो बस वसा डालने वाला है उसकी एक सिफत यह है कि वह अलखन्नास है ठीक है बार बार वो पीछे हटता है तो इस हवाले से ये आ गया जी उसके बाद अलमदिल्ला दोनों अल्फाज पर बात हो गई है इसके साथ जो अगली आयत है वो हम जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि जी वो इस आयत के साथ कैसे रिलेट हो रही है मेन काम हमारा अलहमदिल्ला जो है वो इराब के हवाले से हो चुका है तो अगली आयत को देखते हैं जी पाँचवीं आयत पर भी मौजूद है जी अल्फाज को काउंट कर लें इसमें फिलहफ के तौर पर अल्लाज़ी इसमें इस है इसमें मौसू है यूवसविसु बिल्कुल देखें उस वस वसा यूवसु में रुबाई मुजरत का फेल आ गया जी फेल मुजारे है वस वसा यूवसु फेल फी हर्फ हरफर उसके बाद फिर वो इस भी आएगा सुदूर अलिफिला भी नहीं है और एराब भी हल्का है तो मुरकब इज़ाफी कंस्ट्रक्शन जहन जाना चाहिए और अभी पीछे तो सारा आपको पता है ऐसा ही चल रहा है तो एक दो और तीन आसमां ठीक हो गया एक हर्फ और एक फेल तो एक दो तीन चार पांच कलिमात में ये आपकी पांचवी आयत पांच कलिमात पांचवी आयत दो इसमें तीन असमांत और एक फेल और एक हर्फ ले जी अल्लाजी आ रहा अल्ला अल्ला है अल्लाजी आपको बताया इसमें मौसू है और नॉर्मली ये मौस जी जो है ये सिफ़त बनकर ही पीछे आ रहा होता है तो जहन आपका बन जाना चाहिए बहरहाल पहले से हम देखते हैं जी मौसूल इसमें मौसूल हो गया उसके बाद आगे सिला आएगा युवस्विसु आपका फेल बा फ़ाइल बा फ़ाइल मैंने इसलिए कह दिया कि मेरी नज़र फौरन पड़ गई थी कि आगे कोई रफ़ा वाला इसम नहीं है तो से सीखा एक और चार उनमें से बस वसा यूआसू पहला ही है तो का फाइल इसका कच्चा होता है लेकिन आगे नजर डाल दें फौरन पता चल जाता है कि फाइल आगे आ रहा है नहीं आ रहा तो साथ ही मैंने फाइल कह दी और हुआ की जमीर जो है इसका फाइल हो गया ठीक उसके बाद आ गया जी फी आपका हरफ जर जार आगे मजरूर होगा और मजरूर जो है सुदूर जो कि पहले ही मुजाफ बन रहा है और अन्नास उसके लिए मुजाफिले है तो मज़ाज़ा फिलहाल मिल के मजरूर जार मजरूर मिल के ये मुतल हो गए यूवसु फेल के फ़ेल यूवसु फेल अपने फाइल और मतलब से मिलकर जुमला फेलिया ख़बरिया होकर ये बन गया जी सिला इस मौसू के लिए और मौसू और सिला मिलकर इसे हम बना लेंगे जी सिफ़त नंबर दो अल-वस्वास की तो बिल्कुल बड़ी आप कह लें कि आसानी से जुड़ जाएगा कि वो अलवसवास उसकी दो सिफात आ गई जी एक उसकी सिफत यह है कि वो अल्नास है बार बार पीछे हटता है हमला करता है फिर पीछे हो जाता है हमला करता है पीछे हो जाता है हमला करता है पीछे हो जाता है और दूसरी सिफत उसकी यह है किसफी सदूरनास ये जो है ये वसवासा अंदाजी करता है लोगों के सीनों में ठीक है लोगों के सीनों में वसवसा अंदाजी करता है तो ये पूरी जो है आप कह लें मौसू सिला मिलकर ये सिफत बन गया इस अलवसवास के सिला में जैसे कि पिछली सूरत मार्के के हवाले से बात हुई थी कि एक आयद ज़रूर होना चाहिए ठीक है क्रैक्टर ज़रूर होना चाहिए नॉर्मली वो एक ज़मीर होती है तो इसमें जो ज़मीर है वसविस के अंदर जो हुआ कि ज़मीर है वही इस अलज़ी के लिए आयत है ठीक है और वो फाइल की है ना इसलिए मेंशन है वह फूल की होती तो हिडन होती तो बिल्कुल देखें सेम है अल्लाजी उसी एक्सप्लेन किया जा रहा है ना कि हुआ यूएस विसु हु। तो वही ज़मीर जो है वो इसके लिए आयत का काम दे रही है लेकिन जी ये आयत भी अलमदिल्ला मुकम्मल होगी अब इस शुरुवार की आखिरी आयत जो छठी आयत है मुख्तर से अल्फाज पर मुश्तमल है उसको देखते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं कि हमने इस मुबारक में उस आयत को कैसे किसके साथ जो है वो लगा लें छठी और आखिरी आयत सुरनास की बोर्ड पर मौजूद है जी कितने अलफा पर मुश्तम है एक दो तीन और चार अल्फाज पर मुश्तम है चार अल्फाज में मिन आपका हरफ हरफ जर है अल्नाह अलग इसम है वाओ आपका हरफ अतफ अन्नास इसम है दो असमा दो हरूफ पर مشتمل आपकी सूर्य मुबारक की आखिरी आयत है मिनल जिन्नती वन الناس मिनल जिन्नती सिंपल सा ऐसे मैं एनालाइज कर लूं पहले जी मिन आपका حرف جر जब भी حرف جر आएगा आगे मजरूर होगा ठीक है जी अल जिन्ना मजरूर है लेकिन आगे حرف عطف भी आ रहा है तो हम अल जिन्ना को पहले कर लेते हैं जी ये मातूफ ले है वाह आपका आतिफा और अन्नास जो है ये मातुफ मातुफ और मातूफ मिलकर ये हो गए जी मजरूर और जार और मजरूर मिलकर ये हैं मुतल आपको पता है मुतल होकर आते हैं किसके मुतल है वो जो आठ चीजें जिनके मुतल होते हैं ये उनमें से देखें क्या है अब नोट करें जी अगर इसे हम इस यूवसविसु के मुतालिक कर लें तो सिंपल बात हो जाएगी हमारे के अल्लाज़ी यूवसविसु मिनल जिन्नति वननास यानी वो वसवासअाजी करता है और वो मिनल जन्नति वननास है ठीक हो गया इसके मुतिक कर लें या दूसरी बात यह है कि इसे हम जो यूवसविस के अंदर जो ज़मीर है ना हुआ उससे हाल बना लें उसके लिए हाल बना लें क्योंकि मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि जब भी नकरा के बाद जार में जरूर आएगा या नकरा के बाद फ़ेल आएगा तो वो नॉर्मल उसके लिए सिफत बनता है और अगर मारफा के बाद जार में जरूर आ जाए या जुमला आ जाए तो वो उसके लिए हाल बनता है तो यूएसू के अंदर जो हुआ ज़मीर है मारफा है तो उसके लिए मिनल जन्नतवन्नास यानी उसका हाल ये है कि वह अलजन्ना और अन्नास में से है ठीक या यूएसू के से सिंपल मुत कर ले तो ये भी इस एतबार से जी अब ये जुड़ जाएगा अब यहाँ पर हमारी सूरत मुकम्मल हो जाती है मैं आता हूँ इसे आपके सामने दोबारा रखता हूँ लेकिन दो अल्फास, दो अल्फाज नहीं बल्कि एक ही लफ्ज है अलजन्ना इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी अलजन्ना अलजन्ना क्या है जी अलजन्ना ये जिनों का ग्रोह इसके माना आम लिखे गए हैं और ये जिनी की जमा है जी ठीक जिनसे जिनी बना जी नस्बत के लिए तो उससे फिर उसकी जमा जो है वो अलजन्ना तो ये सिंपल इस लफ्ज़ के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तु थी बाक़ी अब हमने इसे जोड़ दिया इससे यूएसविस फेल से जोड़ दिया है या उस हुआ से सुको हाल बना दिया है अब मैं आपके सामने इस पूरी सूरह मुबारक का एनालिसिस जो है वो तेज़ी से रख देता हूँ कुल को हमने बनाया था जी फेल और फाइल और फेल और फाइल के बाद जो बाकी सारा कुछ है वो इसका मफ़ूल बन रहा है यानी मकूला बन रहा है और वो ये मकूला जी आऊज़ बिरब्बिननास मालिकन्नासान्नास मिनशरवासवासन्नास अज़यसफ़ी सदूरन्नास मिनल जिन्नति वन्नास ये सारा इसका मक़ूला है तो कुल फ़ेल अपने फ़ाइल अंता की जमीर जो है उस और अपने मफूल यानी मकूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इशाइया हुआ तो जिस तरह सूतलफलक हमारी एक ही जुमला फेलिया बनी थी पूरी सूरत एक जुमला बनी थी इसी तरह तो नास भी आपका एक ही जुमला है तो अलहमदिल्ला आप देखें अब आप महसूस कर रहे होंगे कि इन शब जो सूरत हैं वो थोड़ी जल्दी जल्दी से भी हो रही है इसलिए कि बार बार वही चीज़ें आ रही हैं बार बार वही चीज़ें आ रही हैं जब बार बार आप दोहराएंगे तो इनशा तला तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10-15 सूरतों के बाद ना आपका हाथ बहुत ज़्यादा रवा हो जाएगा इन शाली हाथ रवाना से मुरादी है कि आपका जहन चलने लगेगा और फ़ौर आप इन चीज़ों को इस तरह तेज़ी से लिंक कर देंगे बाकी रह जाएंगे अल्फाज के हवाले से बातें तो वो मैंने जैसे अर्ज किया कि कुरानी डिक्शनरीज मौजूद हैं वहाँ से आप उनको देख सकते हैं असल जो चीज़ें वो कम अज़ कम इनको जोड़ना तरकीब यानी तरकीब में लाना अल्फ को ये असल चीज़ है तो इसको अलहमदिल्ला हम करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का फ़ल है अल्लाह का करम है कि हमारे लिए अल्लाह ताली आसानी फरमा रहा है और जो मैंने शुरू में एक बात की थी बस उसके हवाले से बात करके मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म कर रहा हूँ कि सुरतुलफलक में आपने देखा था कि सिर्फ़ रब्बुलफलक की पनाह में आया गया था और जिनसे पनाह में आया जा रहा था वो काफ़ी सारे थे ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जिसकी पनह में आया जा रहा है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया कि वो रब्ब नास है मालिक नास है ला नास है और जिससे पनह बचने के लिए पनह में आया जा रहा है वो एक ही है ठीक है वो एक ही आप कह लें कि बहुत ख़तरनाक है मिनल जन्नत व नास का जिक्र करके उसे और बताया गया कि उसके चेले उसकी ज़ुर्रियत जो फैली हुई है वो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी है नबी के उसम ने जैसा कि फरमाया है कि हम हर इंसान अपने साथ एक शैतान लिए फिर रहे जी सीधी सी बात नबी सब ने फरमाया ना कि जब भी इंसान कोई पैदा होता है बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी पैदा कर दिया जाता है तो सावा में से किसी ने पूछा था अल्लाह केसम क्या आपके साथ भी है तो आपने फरमाया था हाँ लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया तो आप ससम का शैतान जो है मुसलमान है मुसलमान हो गया अब हमारा जो शैतान है जो हमारे साथ है वो मुसलमान नहीं हो रहा पा रहा ठीक है वो जिस दिन मुसलमान हो गया सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसे मुसलमान करने की हमने कोशिश करनी है इसलिए आप देखेंगे कि सूर्य मुबारक में उस पर कितना फोकस किया गया उसकी सिफात खास तौर पर कि बार बार बसोस बार बार बस बार बार वसोस नमाज में आपसे सुनने फरमाया ना जैसे तकबीर की आवाज़ सुनता है तो ऐसे भागता है दूर निकल जाता है जहाँ तक उसे कानों तकबीर की आवाज़ ना पड़े नमाज़ पढ़ते हुए और जैसे ही तकबीर ख़त्म होती है फिर वापस आ जाता है पलट आता है अच्छा अब वसोसा दिया अंदाजी शुरू कर दी उसने आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की उसने अपना काम शुरू कर दिया और आपको पता है कि नमाज़ पढ़ते हो क्या कुछ हम नहीं करते फ़ौरन हमारा जहन हर वो काम करता है जो नहीं होना चाहिए और अगर नहीं करता तो सिर्फ़ एक काम नहीं करता कि नमाज में तवज्जो नमाज में तवज्जो हमारी नहीं होती अच्छा आपने बातें सुनी अल्फाज पे भी गौर करना शुरू किया उसके माना भी सामने रखने शुरू किए तो वक्ती तौर पे हट गया पीछे ठीक उसके बाद फिर आ गया दूसरी तरफ से यानी आप रुकू में गए और रुकू में जाते उसने आपकी नज़र फ़ौरन कारपेट के किसी फूल पर डाल दी अब आपने फ़ौरन उस फूल पे गौर करना शुरू कर दिया और उस फूल की पत्तियाँ गिननी शुरू कर दी और आपने कहा नहीं ये फूल की ये पत्ती जो है ये ज़रा थोड़ी टेढ़ी है इसको ऐसे होना चाहिए था यानी सारे आपका जहन रुकू से उठे अब फिर आपका जहन में आया हो ये मैं किस चक्कर में पड़ गया आपने उसे उसके वसुसे को हटाया चला गया सीधे हुए सजदे में गए फिर आ गया अब ये इस तरह करके पूरी नमाज आप देखें कि हमारी नमाज़ें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए बहुत डर लगता है इस हवाले से भी कि के उस कैटेगरी में ना आ जाएँ कहीं खुदा ना खास जिनके बारे में आप सबसे फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नमाजें उनके मुँह पे दे मारी जाएंगी अल्लाह ताला हमें कोई ऐसी नमाज़ें अता करते जी जो वाकई नमाज़ हो कोशिश ये उसी आपके सिलसिले की कड़ी भी है कि चलें कम अज़ कम अल्फाज के माना सामने होंगे तो भी तवज्जो नमाज में रहती है लेकिन बात वही है कि ये खन्नास जो है खन्नास ये अल्फाज के बावजूद आपको माना भी आते होंगे सब कुछ आपको आता तो होगा लेकिन फिर भी ये आएगा ज़रूर बार बार आना आपको खनास से अंदाज़ा हो गया होगा और फिर दूसरी बात ये कि इसकी दूसरी सिफत ये है कि ये लोगों के सीनों में वस वंदाजी करता है फूके मारता है कन्फ्यूज़ कर देता है छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज़ कर देता है और ये आपको पता है जिनों में से भी इंसानों में से भी इंसान आपको बाज़ात ऐसे ऐसे मिलते हैं जो आप पर एतराज़ा भी करते हैं आपके दीन के हवाले से भी और दूसरे मामलों में भी यानी इनका मकसद यही है कि किसी तरह किसी तरह किसी तरह आपको अल्लाह ताला से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीन इस्लाम से क़ुरान से दूर कर दे और उसमें ये कितने किस दर्जे कामयाब हैं वो शैतान वाला इब्लीस का वो जहन में हमेशा रखिएगा कि कलाफा बिमा हुआ तनी लाआ लहम नहम सरात अकलमस्तकीम असल मकसद इसका यही है कि वो जो सिरात मुस्तकीम है उससे मैं दूर कर दूँ तो सिरात मुस्तकीम से अगर हम दूर हो गए तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है जो सीधी सी बात है वो सिरात मुस्तकीम क्या है डेफिनेटली ये कुरानी है इससे जुड़े रहे इसे जुड़े रहेंगे तो इन्शाल्ला तला, इन्शाल्ला तला। मैं आपको सीधी सी बात बता दूँ जी कुरान से एक मरतबा आप जुड़ जाएँ कुरान आपको नहीं हटने देगा आपको अपने से अलग नहीं होने देगा अल्लाह ताला आपको अलग नहीं होने देगा इन शाह तला आपको अपनी इत पर लाएगा आप हटेंगे ना फिर अल्लाह को लाना भी आता है ये मैं आपको बता दूँ ऐसे तरीकों से आपको ले आएगा कि आप वापस आ जाएंगे और मानेंगे कि वाकई मैं हट गया था अपने रस्ते से और ये अल्लाह ही का फ़ज़ल है आपको पास ओका ऐसी तकलीफ़ में मुबला कर देता है आपको ऐसे उसमें डाल देता है आजमाइश में कि आप फिर फ़ौर रुजू करते हैं और उसकी तरफ़ आ जाते हैं तो ये भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है अल्लाह ताला का करम है नबी सम की एक हदीस मुझे समझ में नहीं आती थी आपसे उन्होंने फरमाया ना कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे मुसीबत में डाल देता है तो समझ में नहीं आती थी कि ये भलाई का इरादा हो और मुसीबत में डाल देना ये कुछ बात समझ में नहीं आती तो यकीन करें समझ में आती है इंसान बाजा अवत भूल जाता है यानी अपने नेमतों में हर को कर अल्लाह कितनी नियमत होती हैं उनसे मुस्तफ़ीद होते होते वो बाज़ात अल्लाह के अहकाम को भी भूल जाता है और फिर अल्लाह तला की तरफ से मुसीबत जब कोई आती है तो फिर वो वापस पलटता है तो ये देखें अल्लाह ताली की तरफ से भलाई का ही इरादा है अल्लाह ताली उसके साथ भलाई चाहता है और अल्लाह ताल अगर वो छोड़ दे तो यक़ीन करें हम और, और और दूर जाते जाएँ और अंधेरों में और गहराइयों में जाते जाएँ लेकिन अल्लाह ताली का अपना फैसला है कि वह हमें किसी न किसी मुसीबत किसी ना किसी परेशानी के जरिए से वापस अपनी तरफ रुजू करने की तोफ़ी अदा फरमाता है तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र अदा करने की तोफ़ी कदा फरमाया जो मैंने हदीस शुरू में बयान की थी वो हज़रत उकबा बिन आमिर के हवाले से मुख्तसर उस पर भी बात कर दूँ कि आपसे फरमाते हैं हजरत उकबा बिन आमिर के एक मरतबा सम की नाका की मुहार जो है वह पकड़े चल रहा था तो आपसे उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें वो दो सूरतें ना सिखाऊँ जो पढ़ने में सबसे बेहतर है तो जाहिर बात है उन्होंने क्या कहा होगा कि जी क्यों सिखाएं तो आपसे सामने उन्हें आ, फलक और सरतुलनास की जो है तालीम दी सिखाई और फिर जब आपने नमाज पढ़ाई सुबह फजर की तो आपने उन नमाज, उस नमाज में भी इन दोनों तो सूरतों को ही पढ़ा और फिर आपने हज़रत बिन आमिर से पूछा कि हाँ भी कैसी थी ये सूरतें तो ज़ाहिर बात है इन सूरतों की फजीलत जो कि आपके इल्म में पहले से है बस बात वही है कि कमी हमारी तरफ़ से ही है हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कम अज़ कम नमाज के, हर नमाज के बाद मैं समझता हूँ कि हमें इन सूरतों को ज़रूर पढ़ना चाहिए हमारा हाल तो ये होता है इधर नमाज ए, इमाम साहब ने इस्लाम फिर और हम फ़ौन जो है वो उनके बेचारे को मुड़ने का भी इंतज़ार नहीं करते और हम दरवाजे से बाहर होते हैं तो कम अज़ कम थोड़ा बहुत ज़िक्र जो मसनू असकार हैं मसनून असकार नबीक सम से जो सबित है उनको तो हम कर लिया करें और उनमें ख़ासतौर पर मैं समझता हूँ कैतुलकरसी और आपकी ये जो तीन सूरतें हैं ख़ासतौर तो पर सोत अखलास और सोतुलफलक और सोतुलनास ये आप कोशिश किया करें कि लाजमी एक एक मरतबा पढ़ लिया करें सुबह फ़जर और मगरब के वक्त तीन तीन मरतबा पढ़ लें इन शाह तला आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में होंगे और फिर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी अल्लाह आपको अपनी ईमान में ले लेगा और जब आप अल्लाह के ईमान में आ गए तो उससे बड़ी कोई अमान है ही नहीं जी सीधी सी बात है मेरा तो यही मान है अल्लाह ताला इसमें इसकामत भी नसीब फरमाए और आपको भी इसलिए बताता हूँ आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि आप ये चीज़ें आगे बताएँ नहीं जी अलहमदिल्ला हमारी छः आयात पर मुश्तमिल सूरत जो है वो मुकम्मल होगी इन शगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सूरत के साथ सुबह नकल्लाब हमदी का अरशदुल्ला अला अंता अस्तफरू का إليك. بسم الله الرحمن الرحيم <applause> قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس